ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान गणेश जी के कई उपाय बताऊंगा। इन उपायों को करने से संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी, धन का आगमन होगा, हर सुख हर वैभव आपको प्राप्त होगा। 22 अगस्त से भगवान गणेश जी के दिन शुरू होंगे, जो बहुत ही शुभ दिन कहे जाते हैं। सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और 11 दिन यह उत्सव चलता है। संतान प्राप्ति के लिए आप इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। जिस कामना से भगवान गणेश जी की आप आराधना करेंगे, वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। भगवान गणेश जी सभी संकटों का नाश करते हैं, इसलिए उनको विघ्न विनायक कहा जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर कोटि संप्रव निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रत्येक सभी कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करने वाले हैं भगवान गणेश। लेकिन अगर गणेश जी के दिनों में ही गणेश जी को प्रसन्न किया जाए तो उससे बेहतर और क्या है। भगवान गणेश जी की यह दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इन दिनों में की गई पूजा आराधना सफल मानी जाती है। जिस भावना से जैसे भी आप भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे, भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सच्ची लगन और श्रद्धा से की गई पूजा शीघ्र फलदायी होती है। इस दिन आपको कुछ उपाय करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही साधारण उपाय हैं और इनके करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा और जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे, वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। सर्वप्रथम 22 अगस्त को स्नान आदि करें और विधि विधान से अपने घर में भगवान गणेश जी की स्थापना करें। आपके घर में भगवान गणेश जी की स्थापना ना हुई हो या ना कर सकें तो मंदिर में जाके भी यह उपाय करें। सर्वप्रथम स्नान आदि करें और भगवान गणेश जी के सामने जाएं। पहले दिन उनको दंडवत करें, प्रणाम करें और भगवान गणेश जी को एक वस्त्र अर्पण करके आएं, कोई भी वस्त्र। और भगवान गणेश जी को 3 पुष्पों से निर्मित एक माला अर्पण करके आएं, जिसमें पीले, सफेद और लाल पुष्प हों, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार की एक माला भगवान गणेश जी को पहले दिन अर्पण करके आएं और उनके सामने अपनी मनोकामना बोल दें। अब ये उपाय आपको 11 दिन लगातार करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप मंदिर में, तो प्रत्येक मंदिर में गणेश स्थापना होती है, आप सभी मंदिर में जा करके यह कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिदिन आप जाएं, भगवान गणेश जी को दंडवत प्रतिदिन करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, दीपक में एक लौंग डाल दें और भगवान गणेश जी को हार पहनाएं हरी घास का। हरी घास की 11 पोटली बनाएं, 11 गट्ठर बना करके और उसका एक हार निर्मित करें और वह हार प्रतिदिन भगवान गणेश जी को अर्पण करना है। दुर्वादल भगवान गणेश जी को बड़ी प्रिय है, यह आपको 11 दिन करना है। उसके बाद में अगर कहीं से आपको मिल जाता है बेलपत्र, तो उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके आप भगवान गणेश जी के सामने एक छोटा सा बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे संतान की मनोकामना पूरी होती है। दीपक प्रतिदिन जलाना है आपको। उसके बाद में भगवान गणेश जी के सामने संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें और भगवान गणेश जी के सामने स्वास्तिक चिन्ह बना दें रोली से। अगर कहीं जगह हो तो थोड़ा सा स्वास्तिक चिन्ह भगवान गणेश जी के सामने बना दें और उस पर थोड़े से चावल छोड़ दें। भगवान गणेश जी के मस्तक पर टीका लगाएं और उनके हाथ में मोली बांधनी है आपको, धागा बांधना है उनके हाथ में प्रतिदिन मनोकामना बोल करके। आपको प्रतिदिन हार चढ़ाना है, दीपक जलाना है
और मोली बांधनी है, जो कलावा होता है वह भगवान गणेश जी के हाथ में बांधना है अपनी मनोकामना बोल करके। यह कार्य आपको प्रतिदिन करने, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यह आप प्रतिदिन लगातार 11 दिन करना है। भगवान गणेश जी को मिष्ठान अर्पण करना है, मोदक असली बूंदी का मोदक भगवान गणेश जी को आपको अर्पण करना है। भगवान गणेश जी को मोदक बड़े प्रिय है, और अगर आप मीठा भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं तो भगवान भी आपको जो है आशीर्वाद देंगे, और जो मोदक पहले से चढ़ा हुआ हो उसका प्रसाद आपको ले लेना है। उसके बाद में प्रतिदिन आपको भगवान गणेश जी की आरती भी करनी है। भगवान गणेश जी के बगल में जो कलश की स्थापना होती है, लास्ट के दिन अगर वह उसमें से सिक्का और सुपारी आपको मिल जाती है जो डालते हैं उसमें, तो यह धन आगमन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, और माता लक्ष्मी जी इसे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। वैसे भी आपने देखा होगा प्रत्येक जगह पर गणेश लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है सबसे पहले। ये अनटोके और अचूक छोटे उपाय होते हैं, ये प्रतिदिन आपको करने हैं। 11 दिन अगर आप ये करेंगे तो भगवान की कृपा से धन्य धान्य की प्राप्ति होगी और संतान की प्राप्ति होगी, भरपूर घर में धन आएगा। उसके बाद में जब गणेश जी का विसर्जन होता है लास्ट के दिन, तब भगवान गणेश जी को पंचमेवा आपको अर्पण करनी है, उनको वस्त्र अर्पण करना है, उनको थोड़ा सा गुलाल लगाना है और अपनी मनोकामना उनके कान में बोलनी है। उन पर हरी चढ़ी हुई हरी दुर्वा आपको लेनी है, उनकी चढ़ी हुई हरी दुर्वा, सिक्का, सुपारी, ये सारा पीले कपड़े में बांध करके आपको अपने गले में रखना है। यह बहुत ही शुभ और चमत्कारिक उपाय होते हैं, यह नियम आपको निभाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान गणेश प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप जरूर यह उपाय करेंगे, और यह उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। पूरे श्रद्धा भाव और लगन के साथ में यह उपाय आपको करने, और फिर देखना चमत्कार होगा, भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें।